हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम सा मिनल्स किचन एंड मोर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बेसन के लड्डू बनाएंगे विद देसी घी। सो ये बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं, दानेदार बनने वाले हैं। और ये दानेदार क्यों बनेंगे, इसकी एक ट्रिक रहती है, उसको फॉलो करने के लिए मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक पैन लूँगी जिसको मैं स्लो फ्लेम पर मैंने स्टार्ट कर लिया है। और यहाँ पर एक कप जितना घी हम ले सकते हैं, बट एक कप जितना घी मैं पूरा एक साथ ऐड नहीं करने वाली हूँ, पहले 3/4 कप ही ऐड करूँगी। और इसको मेजरमेंट के हिसाब से ले तो ये 250 ग्राम जितना घी हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने बेसन लिया है, वो भी 250 ग्राम ही लिया है, बट ये वेट में कम रहता है, हल्का रहता है, इसलिए 2 कप हो जाएगा इसका मेजरमेंट। तो सेम मेजरमेंट के लिए सेम ही कप यूज़ कीजिए आप। अब हम इसको स्लो फ्लेम पर एकदम कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे ताकि इसमें लम्स नहीं बने, गुठलियाँ नहीं पड़े और एकदम स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हो जाए। बट इसको हम हाई फ्लेम पे नहीं चलाएंगे, अदरवाइज इसमें ये पक तो जाएगा बट वो एकदम स्टिकी जो फीलिंग आती है ना बेसन के लड्डू हम खाते हैं तो वो कच्चापन रहता है, इस वजह से हमको ये स्लो फ्लेम पे ही चलाना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर मेरा चैनल आपको पसंद है, मेरे वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। ये देखिए, अब ये जैसे जैसे गर्म होगा आप देखोगे कि इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है और इसका जो टेक्सचर है वो भी चेंज हो जा रहा है। पहले स्मूथ था, अब ये थोड़ा खुरदुरा हो रहा है। तो ये एवरी स्टेज पे ये चेंज होता रहेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस आप इसमें देखोगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये पकेगा इसमें एक अच्छी सी स्मेल आएगी, तो अरोमा आएगा। सो यहाँ पर मैंने ये इलायची पाउडर मिलाया है, मैंने इसको क्रश करके मिलाया है। आप चाहो तो एकदम फाइन पाउडर मिला सकते हो, 1 टीस्पून जितना, वही छोटा चम्मच। ये देखिए, अब इसका कलर आप देखोगे तो और ज़्यादा डार्क हो गया है। तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून जितना पानी मिलाएंगे, नॉर्मल वाटर। इससे क्या, इसके जो दाने हैं वो फूल जाएंगे। और इसको इसके बाद भी हमको चलाते रहना है 5 मिनट तक, ताकि जो पानी हमने ऐड किया है वो जल जाए। बट इसमें जल तो जाएगा पानी, बट जो दाने हैं वो फूले ही रहेंगे। तो ये दानेदार जो बनता है हमारा लड्डू, उसका एक रीज़न ये भी है। और यहाँ पर मैंने फ्लेम तो ऑफ कर लिया है, गैस बंद कर लेंगे, परंतु इसको 2-3 मिनट तक उसको चलाते रहेंगे ताकि उसके नीचे एक जली हुई लेयर नहीं हो जाए पैन, क्योंकि गर्म रहता है इसीलिए। अब हम इसको किसी और बर्तन में निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरे बर्तन में ये पूरा मिक्सचर मैं निकाल रही हूँ। आप इमिडिएटली भी निकाल सकते हो या फिर इसको गैस बंद करने के बाद 2-3 मिनट चलाओ और उसके बाद किसी और में ट्रांसफ़र कर सकते हो। और इसको हम ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, बट थोड़ा ठंडा करेंगे कि हम उसके लड्डू बना सकें। तो लेट इट कूल, तब तक हम एक काम करते हैं, जो पम्पकिन के मैंने सीड लिए यहाँ पर, तो इसको मैं थोड़ा सा रोस्ट करके डालूंगी ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आए और थोड़ा सा क्रिस्पीनेस भी लगे। तो यहाँ पर एकदम हल्के से 4 से 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर हम इसको करेंगे। और जैसे इसमें फूटना स्टार्ट हो जाते हैं, इसमें पॉपस्टिकल्स बने आते हैं, इससे साउंड आएगा, तो उस समय आप इसको गैस से रिमूव कर सकते हो, दूसरी प्लेट में डाल सकते हो। तो ये तैयार हो गया। अब हम अपने मिक्सचर को मैंने दूसरे बर्तन में डाल दिया, बिकॉज़ इसमें हम तगार ऐड करेंगे 250 ग्राम, 1.5 कप जितना, तो सेम ही क्वांटिटी ली है हमने। तो तगार की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी। और दिस इज़ द रीज़न कि हमारा जो हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं कि शक्कर को पीस के भी डालते हैं, वो भी कर सकते हो, बट उससे इसमें जो दानेदार आया है टेस्ट वो नहीं आएगा। और हम अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी इसमें मिक्स कर लेंगे, एकदम अच्छे से स्पैटुला की सहायता से मिक्स कर सकते हो या फिर अपने हाथ जिंदाबाद, तो हाथों की सहायता से भी आप इसको ऐड कर सकते हो। सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अच्छे तरीके से ऐड करके अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। एक मीडियम साइज़ के लड्डू बनाने हैं, थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके। यहाँ पर मैंने अपने दोनों हाथों को यूज़ करके भी लड्डू बनाए, तो ये टैलेंट तो दिखना बनता ही है। तो यहाँ पर देखिए, मैं अपने दोनों हाथों से लड्डू बना रही हूँ, तो हमारे लड्डू तैयार है। अगर फ्रेंड्स मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।